हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जीएसटी हीरो के यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ है सीए सुगंध जैन परमार, जो हमें बता रही है जीएसटी 9 रिलेटेड जो भी हमारे एफएक्यूज है उसके बारे में। मैम, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास लेकर आते हैं। और ये जो बेल आइकॉन है, इसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता चले जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 में जो ITC मैंने क्लेम नहीं किया है, क्या मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ जीएसटी 9 फाइलिंग के टाइम? मतलब बहुत सारे बिजनेसेस को ये क्वेश्चन है, तो इस पे क्या आंसर रहेगा आपका? मैं जीएसटी 9 के थ्रू ITC क्लेम करना पॉसिबल नहीं है। CBIC ने ऑप्शन दिया था मार्च 19 तक का, जब तक आप 17-18 का ITC क्लेम करने का समय था। उसके बाद आपका ITC अगर कुछ पेंडिंग है तो वो लैप्स हो चुका है एंड अभी आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, तो कैसे करना चाहिए अगर हमें जो लॉस हो रहा है हमारा ITC का, उसको टाइम पर कैसे हम अवेल करें, तो क्या बताएंगे हमारे बिजनेसेस? ITC अवेल करने का बेसिक रूल ये है कि मेरे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विद इन 180 डेज मेरा अगर कुछ भी पिछले साल का क्रेडिट है तो वो मुझे अवेल करना है। यानी कि अगर मैंने मार्च का पीरियड मेरा है तो मुझे सितंबर तक, जब तक मैं सितंबर का रिटर्न फाइल कर दूं तब तक आई कैन क्लेम माय क्रेडिट। यानी कि लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर अप्रैल टू अगस्त तक नहीं किया है, सितंबर का रिटर्न फाइल करने के पहले अगर उनका कुछ भी पेंडिंग ITC है तो वो उनको अगले साल के सितंबर मंथ तक वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं है, आपका ITC लैप्स होगा। तो ये आपका लॉस सेव करने के लिए आपको ये चेक करना जरूरी है। ओके, तो बहुत सारे बिजनेसेस जो हमारे दर्शक है उन्होंने टैक्स लायबिलिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि उनका टैक्स लायबिलिटीज पेएबल जो है वो उन्होंने कम पे किया है, तो इस सिचुएशन में वो कैसे शो करें जीएसटी 9 में? ओके, तो अगर इसका मतलब ये है कि मेरा टैक्स पेबल ज्यादा था और मैंने पे नहीं किया है, तो उसमें क्या करना है? अगर मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है तो वो मुझे टेबल 4 में बताना है एंड वहां पे मुझे ये एडिशनल पेमेंट शो करना है। अगर मैंने 3B के थ्रू पे कर दिया है मेरे अगले साल में, यानी फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, तो मुझे ये Part-5 में बताना है, टेबल 14 में बताना है। एंड अगर मैंने अभी तक पे नहीं किया है, मैंने टेबल 4 में बताया है, तो उसका पेमेंट मुझे एडिशनली अभी करना है फॉर्म DRC 03 के थ्रू, और मुझे ये Part-4 के टेबल 9 में एडिशनल पेबल बताना पड़ेगा। ओके, तो वही सिचुएशन है वाइस वर्सा में कि अगर मेरा टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा मैंने पे किया है, तो इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? So, ये अगर आपने जो एक्सेस लाइबिलिटी, जो आपने एक्स्ट्रा पेबल शो किया है, वो आपको सबसे फर्स्ट चीज आपको टेबल 4 से कम करना है। अगर आपने टेबल 4 से कम किया है, उसका सेम इफेक्ट मेरे टेबल 9 में भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरा टेबल 4 और टेबल 9 हैंड इन हैंड जाता है। जितना वहां पे पेबल आएगा उतना ही मेरा टेबल 9 में भी पेबल आना चाहिए। सो वो हैंड इन हैंड जाएगा, तो अगर मैंने टेबल 4 से कम किया तो वो टेबल 9 से भी कम करना है। सेकेंड, अगर यही आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 में भी आपने इसको एडजस्ट कर दिया है, आपको बाद में पता चला और आपने एडजस्ट कर दिया है, तो ये आपको Part-5 टेबल 11 से आपको एडजस्ट करना है। सो ये दो वे हो गए। और अगर आपने पे कर दिया है एंड अभी तक आपने उसको एडजस्ट नहीं किया है, तो उसका आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। ओके, तो उसके लिए मुझे रिफंड एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारे FAQs थे हमारे जो बिजनेसेस और जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने पूछे हुए थे। तो होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच मैम हमारे चैनल पर आने के लिए। और आप ऐसे ही हमारे आपके साथ 9C के बारे में या तो फिर जो भी क्वेश्चंस हैं, FAQs हैं, उसके बारे में हम और वीडियोस बनाएंगे, तो हम जरूर आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आएंगे। अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन के बारे में और कोई क्वेश्चंस है तो जरूर आप हमें कमेंट करें, और हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियोस के जो जितने भी पार्ट है उसको आप एंड स्क्रीन में देख सकते हो, तो वहां से सीधा आपके क्वेश्चंस जो है Part-1, Part-2, Part-3 उसके वीडियोस आप देख सकते हो। तो जरूर उन वीडियोस को देखना।
बने रहे हमारे साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.